हैदराबाद में बारिश ने फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश बंद है लेकिन कम नहीं हुई है मुसीबत हैदराबाद के लोगों की। कल 12 बजे के बाद बारिश बंद हुई रात में, लेकिन जो बारिश हुई, जितनी देर हुई, उसने एक बार फिर से पानी पानी हैदराबाद को कर दिया। खासतौर पर निचले इलाके एलबी नगर, जरसूर नगर, वनस्थलीपुरम इलाकों में पानी भर गया है। अगले 3 से 4 दिनों में हैदराबाद में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें हैदराबाद की ही आप देख रहे हैं। ये एक कॉलोनी की तस्वीर है जो अब से पहले रोड पर गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी, लोग निकलते थे, चहलकदमी होती थी, लेकिन कैसे ये दरिया बन गई है ये तस्वीरें बयां करती हैं। और आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि कैसे घरों में पानी घुस गया, लोग अपनी छतों पर हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए कैसे जो बारिश है उसने हैदराबाद के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। निचले इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर तब हो रहे हैं जब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, और कैसे कमर तक पानी को पार करके वो पहुंचते हैं और तब जाकर कुछ सामान ले पाते हैं। और इसी के साथ आप देखिए फलकनुमा ब्रिज पर कैसे एक व्यक्ति फंसा, जेसीबी की मदद से फिर उसका रेस्क्यू किया गया। ये मशीन, जेसीबी मशीन की तस्वीर भी आप देखेंगे, रेस्क्यू किया गया है जो लोग फंसे हुए थे। तो कितनी मुश्किल है, क्योंकि 2 पहिया वाहन तो छोड़ दीजिए, 4 पहिया वाहन तिनके की तरह से पानी की तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलोनियों में जहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती थी, अब वो गाड़ियां कैसे ताश के पत्ते की तरह से बिखर गई। और जरा ये मंजर आप देखिए, ये 4 पहिया वाहन, ये कार कैसे पानी में बहती जा रही है। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो फिर क्या गुजरेगी उस पर, क्यों उसके लिए इतना मुश्किल होगा निकलना। एक के बाद एक कैसे तिनके की तरह से ये कार्स तेज लहरों के साथ बह रही हैं। और ये कॉलोनी का मंजर है, ये एक इलाके का मंजर है जहां पर हैदराबाद में ज्यादा पानी भरा, लोगों के गेट के अंदर तक पानी घुस गया। देखिए कैसे पलटती हुई गाड़ियां बहती जा रही हैं, तो लोगों की जान पर बनाई है। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते कहीं दीवार गिरी है, कहीं लोग बह गए, मौत की घटना भी सामने आई है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हैदराबाद में हो चुकी है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। तो भारी बारिश से हैदराबाद में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों के लिए मुश्किल है। हालात तो ये हो गए हैं कि लोगों को घरों में रहना भी अब मुश्किल हो गया। बारिश में बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है और साथ ही लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कुछ इलाके ऐसे हैं जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी ज्यादा भरा तो लोग अपने छतों पर चले गए, वहां पर रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। बोट के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ पाएंगे ये कोई किसी तबाही का मंजर नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि बारिश हुई है। और आप देखिए कैसे हैदराबाद के कई इलाके पानी पानी हो गए। भारी बारिश से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब तक बारिश और बाढ़ से लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को हैदराबाद में 190 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों से आ रही तस्वीरों से पता लग रहा है कि इलाके में हालात काफी खराब है। हालात से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान पहले से ही तैनात हैं, जो अलग अलग इलाकों में लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। बारिश में बिजली के खंभों के गिरने से कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बाढ़ और बारिश से अब तक शहर में 9000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार जरूरत के समय में दोनों राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि फिर से घुटनों पर हाईटेक हैदराबाद, क्योंकि तस्वीरें वहां के हालात को बखूबी बयां कर रही हैं। 2 तस्वीरें फिर आपको दिखाते हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश, मौसम विभाग ये अंदेशा जता चुका था, लेकिन प्राकृतिक आपदा जब आती है सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। कुछ इलाकों से लोगों को शिफ्टिंग का काम भी शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश ने जो कहर बरपाया है ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। 13 अक्टूबर का हाल देख लीजिए और 18 अक्टूबर का हाल देख लीजिए, यानी कि आज की तारीख में हैदराबाद का क्या हाल बना हुआ है। और ये शुरुआत हो चुकी थी 12 तारीख से, जब 12 तारीख में बारिश शुरू हुई तो 13 तारीख तक बारिश होते होते हैदराबाद पानी पानी हो गया। लोग संभल पाते उससे पहले फिर से बारिश हुई, और देखिए आज यानी 18 तारीख को भी हैदराबाद के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं।
पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर चुके हैं, बिजली गुल है, लोग अंधेरे में अपने घरों में हैं, क्योंकि उन तक कुछ भी पहुंचाना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं पहले उन्हें रेस्क्यू टीम को निकालना है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, कुछ जगहों पर क्रेन की मदद ली जा रही है। फलकनुमा ब्रिज कैसे वहां पर एक व्यक्ति फंसता है तो लोग बड़ी मुश्किल से उसे निकाल पाते हैं। आप पानी का बहाव देखें, पानी की तेज लहरों को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि लोग कितनी मुश्किल में है। एक तो कोरोना काल में लोग वैसे ही अपने घरों में रहने को मजबूर है, अनलॉक में त्योहार सुख की शुरुआत हुई तो लोग इस बात को लेकर खुश थे कि कम से कम अब सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए लोग अपने घरों से निकल पाएंगे। इतने समय से जो घरों में कैद थे उनके लिए एक आशा की किरण थी, रोजगार का जरिया था उन लोगों के लिए जो अपना ठेला लगाते हैं या छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं त्योहार के समय में। लेकिन हैदराबाद का नजारा देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो रहा होगा, क्योंकि लोगों की तो जान बचाने के लाले पड़ गए हैं वो लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं। जरा देखिए कैसे लोग इस वक्त अपने घर की दूसरी मंजिल पर है। बारिश लगातार हो रही है, पानी इतना ज्यादा है कि घरों में घुस चुका है। लोगों का सामान जो रखा हुआ था, बेड, सोफा, किचन का सामान, सब बर्बाद हुआ है। जो लोग उस सामान को शिफ्ट कर पाए वही बचा पाए हैं। उसके अलावा तो आप वो तस्वीरें देखकर उम्मीद भी छोड़ दी होगी आपने कि लोग अपने अपने आप को बचाएं, सामान को बचाएं। ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि छोटे बच्चे भी लोगों के घरों में हैं। ये किसी कॉलोनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की। अब ये तस्वीर देखिए, ये तो डराने वाली तस्वीर है, जहां पर भारी भरकम वाहन भी जब इस पानी के वेग को नहीं झेल पा रहे तो जरा सोचिए अगर कोई शख्स इस पानी में फंसा होगा तो उसकी जान बचाना कितना मुश्किल होगा, रेस्क्यू टीम्स के लिए इन इलाकों में पहुंचना कितना मुश्किल होगा। प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से जुड़ गए मेरे सहयोगी। प्रसाद, डराने वाली तस्वीरें, मतलब बारिश ने लोगों की मुसीबत को कैसे बढ़ाया है हैदराबाद में, तस्वीरें बता रही। बिल्कुल, कुछ ही दिन हो गए थे, मंगलवार और बुधवार की रात में जिस प्रकार से बारिश गिरी थी हमने देखा, आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा हैदराबाद पानी में था। लेकिन कल रात फिर कहना पड़ेगा कि कल देर शाम से रात तक फिर से बारिश हुई है। हालांकि वो लेवल की बारिश नहीं थी जो हमने मंगलवार या बुधवार को देखी थी, लेकिन कुछ जो लो लाइंग एरिया से ज़रूर काफ़ी सारा पानी उसमें घुस गया। लेकिन फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर धूप है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन थंडर स्टॉर्म्स और बिजली कड़केगी और बारिश होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। प्रसाद, अभी कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, अभी मौजूदा हालात वहाँ पर कैसे हैं? देखिए, हैदराबाद का जो ईस्ट पूर्वी एरिया है, खास करके एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, उप्पल, बड़ांगपेट, ऐसे एरियाज है जहाँ पर जो लेक है एक, वहाँ पर जो है वहाँ का पानी काफ़ी सारे रोड पे आ गया है, घरों कॉलोनियों में आ गया है। और ख़ास बात यह है कि क्योंकि हैदराबाद लेक का शहर है तो जितना शहरीकरण ज़्यादा हुआ है और जहाँ जहाँ पर भी लो लाइंग एरियाज, जहाँ पे पहले झील हुआ करते थे वहाँ पर लोगों ने घर बना दिए, तो वो एरियाज जो है काफ़ी फिलहाल परेशानी में है। अगर बात करें तो कम से कम 10-15% जो एरिया से हैदराबाद में वही जो है तकलीफ देखने को मिल रही है, वरना पूरे बाकी हैदराबाद में तो पानी देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से मैं ठहरा हूँ यहाँ पे तो पानी बिल्कुल नहीं है और मौसम भी खुल गया है। और आने वाले समय के लिए क्या चेतावनी, कौन कौन से इलाकों में ज्यादा चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि खास करके तेलंगाना में और हैदराबाद के आसपास में अगले 3 दिनों तक ऐसे ही जो है परिस्थिति रहेगी, यानी बरसात, बिजली के साथ बरसात भी गिर सकती है। लेकिन अलर्ट अभी तक हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, सिर्फ एहतियातन तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है सभी को। लेकिन जिस प्रकार की बारिश पिछले हफ्ते हुई थी शायद वैसी नहीं हो सकती, लेकिन जो लोगों को जो बोला गया है वो काफ़ी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। धन्यवाद आपका प्रसाद, हम आपके जरिए दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, खास तौर से हमारे जो हैदराबाद तेलंगाना के दर्शक हैं उन्हें ये बताते रहेंगे कौन कौन से इलाके ऐसे हैं ज्यादा प्रभावित हैं, वहां जाने से आपको बचना होगा और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।